आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को आरजे अलका अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग और एक प्यारा सा हेलो। फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी का ही पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है अलकास की उस दिन। आप सभी का अलकास की उस दिन में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बताइए आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त भी होंगे। फ्रेंड्स, सर्दियां चल रही हैं और हमने अपने लास्ट शोज में ऋतु के अकॉर्डिंग आपको क्या खाना पीना चाहिए ये सब बातें की। आज भी हम शिशिर ऋतु के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं। सर्दियों में 15 जनवरी से 15 मार्च तक तकरीबन शिशिर ऋतु रहती है। इसमें हमको हेमंत ऋतु से मिलता जुलता ही खाना पीना चाहिए। आप इसमें गुड़ खाएं, गुड़ से बने पदार्थ खाएं, दूध से बने पदार्थ खाएं, खीर खाएं, रबड़ी खाएं, च्यवनप्राश लें दूध के साथ, क्योंकि इन दिनों में हमारी जठरा अग्नि काफी तीव्र होती है। जो भी हम खाते हैं आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तिल का सेवन करें, तिल से बने पदार्थ खाएं। जो लोग डायबिटिक हैं वो सफेद तिल को रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद उसमें हल्का सा सेंधा नमक लगाएं और एक किसी जार में भरकर रख लें और दिन में एक बार 1 टीस्पून इसका सेवन करें। इससे भी उनकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब शो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं नमकीन सेवइयां, क्योंकि सर्दी में वेजिटेबल्स काफी आती हैं और नमकीन सेवइयां एक ऐसा नाश्ता है जिसे आप बहुत झटपट बना पाते हैं। आप बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाएं, तो लीजिए फ्रेंड्स, आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 कटोरी रोस्टेड सेवइयां, जिन्हें वर्मी सेलिस भी कहते हैं। ये आपको इजीली मिल जाएंगी। अगर आपकी सेवइयां रोस्टेड नहीं है तो आप इन्हें कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर लें। 2 कटोरी पानी, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टी स्पून राई, 1 चॉप्ड प्याज, 1 रफली चॉप्ड टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 1 कच्चा आलू छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। आप कच्चे आलू को छीलें, फिर एक बाउल में पानी भरें, फिर उसमें छोटा छोटा काट कर रख लें। इससे आपका आलू काला नहीं पड़ेगा। 1/2 कटोरी हरी मटर के दाने, अगर आप इन्हें गर्मियों में बनाते हैं तो आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। तब तक एंजॉय कर लेते हैं ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, न आ न आ न आ न आ। मुझको ठंड लग रही है।
तो क्या अंजाम हो। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो। जो बदनामी का लड़का तो फिर प्यार क्यों किया, मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर को नजा 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 नजा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। होश न बना आज दिल में लगी है मेरे पास तू न आ न आ न आ न आ न आ। मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तो नहीं जा। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिस्ट खो गया है क्या करूं, व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्संस के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉगिन करें www.sectec.in SACTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। ये एड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज के उस दिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हमारे साथ नमकीन सेवैया।
तो फ्रेंड्स, आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गैस स्टोव पर एक कुकर रख दें और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लें। इन सेवइयों को आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट आप कुकर में कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप इन्हें बहुत जल्दी बना पाएंगे। 2-3 मिनट के अंदर आपका कुकर गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप ऑयल डाल दें। जब तक आपका ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक एंजॉय कर लेते हैं ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। एक मजे की बात सुनो, एक यतीम सा लड़का आज बना वो लाखपति, कल तक था जो कड़का। ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ओ दुनिया खेल तमाशा। आज पराठे खाए कल था जो भूखा प्यासा, दुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। बदले रंग सवेरे शाम, इस माया के तीन है नाम, परसु परसा परसराम। अरे इस माया के तीन है नाम, परसु परसा परसराम। है खाक कदर ऐसे वैसे की, हर देश में पूजा हो पैसे की, हो चाहे हो पटियाला भाई चाहे हो मंबासा। सुन मुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा, हो दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। हमसे पूछा कौन है अपने रिश्तेदार, हमने उसे हंस के कहा अब क्या बतलाएं तुझको यार। हमने उसे हंस के कहा अब क्या बतलाएं तुझको यार। जो अमीर है हमको ना पहचाने, जो गरीब है उनको हम ना जाने, है खुद गर्ज जमाना दीवाना अच्छा खासा। और उन दुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ओ दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। ये दुनिया खेल तमाशा,
घड़ी में तोला घड़ी में माता, दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। आज पराठे खाए कल था जो भूखा प्यासा, दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज क्यूजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हमारे साथ नमकीन सेवियां। तो फ्रेंड्स, आपका ऑयल गर्म हो गया होगा, उसके बाद आप इसमें राई डाल दें। अगर आप ये सेवियां प्याज में नहीं बनाना चाहते तो आप 1/4 टीस्पून राई की जगह 1/2 टीस्पून राई डाल सकते हैं। जैसे ही आपकी राई चटकने लगेगी, आपको उसके चटचट करने की आवाज आने लगेगी, उसके बाद आप इसमें चॉप प्याज और कटी हुई हरी मिर्ची डाल दें। स्पून से मिक्स करें, 2 मिनट तक इन्हें भूनें, बीच बीच में हिलाते भी रहें। उसके बाद आप इसमें चॉप टमाटर डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें, गरम मसाला पाउडर डाल दें और स्पून से मिक्स करें। 30 सेकेंड्स तक इनको भी भूनें। उसके बाद आप इसमें कच्चा आलू डाल दें, हरी मटर के दाने डाल दें, स्पून से मिक्स करें। जब तक आप इन वेजिटेबल्स को स्पून से मिक्स करते हैं, तब तक एंजॉय कर लेते हैं ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। Thank you.
आप सभी का अलकाज क्यूजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हैं हमारे साथ नमकीन सेवियां। तो फ्रेंड्स, आपकी वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो चुकी होंगी। अब आप इसमें रोस्टेड सेवियां डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए। अब आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। स्पून से मिक्स कीजिए। अब आप कुकर का ढक्कन लगाएं और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लें। आपके कुकर में एक विसल आनी है। जब तक आपके कुकर में एक विसल आती है, तब तक एंजॉय कर लेते हैं ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। बावन पत्ते पंजे छक्के सत्ते हर सबके सब हर जाई मैं लुट गया राम दुहाई मैं लुट गया राम दुहाई। ताश के बावन पत्ते पंजे छक्के सत्ते हर सबके सब हर जाई मैं लुट गया राम दुहाई मैं लुट गया राम दुहाई। यतीमों को देता तो दानी मैं कहलाता खुश हो जाती बीवी जो उसके गहने बनवाता। मैंने कागज की बेगम से खा है आंख लड़ाई मैं लुट गया राम दुहाई मैं लुट गया राम दुहाई। ताश के बावन पत्ते पंजे छक्के सत्ते हर सबके सब हर जाई मैं लुट गया राम दुहाई मैं लुट गया राम दुहाई। अपने दिल का चैन भी हारा और दौलत भी हारी मालिक ने इंसान बनाया मैं बन गया जुआरी गली गली में हो गई यारो आज मेरी रुसवाई मैं लुट गया राम दुहाई मैं लुट गया राम दुहाई। ताश के बावन पत्ते पंजे छक्के सत्ते अरे सबके सब हर जाई मैं लुट गया राम दुहाई मैं लुट गया राम दुहाई। अरे राजा नल और पांडव हारे पर हिम्मत ना हारे अरे जाते जाते हो जाए एक बाजी मेरे प्यारे ये खेलो ना ये खेलो भाई खेलो। जेब है मेरी खाली हाय हाय जेब है मेरी खाली कैसे खेलूं कोई बताए
धड़ गिरवी रख के लेकर जाता है को घबराए साईं काहे को घबराए। घर से बेघर क्यों करते हो घर जाने दो भाई मैं लुट गया राम दुहाई मैं लुट गया राम दुहाई। काश के बावन पत्ते पंजे छक्के सत्ते अरे सबके सब हर जाई मैं लुट गया राम दुहाई मैं लुट गया राम दुहाई। आप सभी का अलकाज क्यूजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। आपके कुकर में एक विसिल आ चुकी होगी, अब गैस को बंद करें, थोड़ा सा वेट करें, जब आपके कुकर का सारा प्रेशर निकल जाए उसके बाद आप सर्विंग बॉल लें और धीरे धीरे करके इन सेविंग्स में ट्रांसफर कर लें। अब आपकी बहुत ही टेस्टी नमकीन सेवैयां रेडी हैं। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, आम के अचार के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मेरा तो मन कर ही रहा है कि मैं जल्दी से खाऊं। डेफिनेटली आपका भी कर रहा होगा, तो आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। जब तक आप खाकर आते हैं तब तक एंजॉय कर लेते हैं ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक। अभी आपके साथ और भी कुछ बनाना है, बहुत जल्द आते हैं, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Let's start the fun!
संग अपनी नगरिया। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। तुम दूर इतने संग आ गई मेरी गोरिया। ये मौसम का जादू है मितवा मितवा, अब दिल पे काबू है मितवा। मेरा जिसमें खो गए दीवाने से हो गए नजारा, वो हर सूहे मितवा। आप सभी का अलकाज के उसिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, आपको सेवैया कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, सर्दी चल रही है और सर्दी में अगर गर्मा गर्म एक कप कॉफी हो जाए तो कैसा रहे, आएगा ना मजा। कॉफी का नाम सुनते ही बस मन कर रहा है कि जल्दी से एक कप कॉफी पी ली जाए, तो फिर देर किस बात की है। चलिए जल्दी से अब हम आपके साथ कॉफी बनाते हैं। जब हम खुद बनाएंगे और पिएंगे तो उसका मजा भी अलग ही होगा ना। तो आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताएं तो हम भी कॉफी बनाएं। तो लीजिए फ्रेंड, देर किस बात की है। नोट कीजिए कॉफी के इंग्रेडिएंट्स, इसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आपको चाहिए 1 टीस्पून कॉफी पाउडर, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून पानी और 2 कप बॉइल्ड मिल्क। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। तब तक एंजॉय कर लेते हैं ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए। क्या चाहिए? अरे भाई, देर हो गई। तो मैं क्या करूं? कॉफी, कॉफी चाहिए। कॉफी, कॉफी और मैं। दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफी पिलाना। दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफी पिलाना। दीदी हूँ मैं बावर्ची नहीं, मुझे आता नहीं कॉफी बनाना। दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफी पिलाना। दफ्तर न जाओ तो अच्छा, क्यों? खुशी घर में मनाओ तो अच्छा। है दफ्तर में राक्षस की रानी, खा जाएगी जो मुझे कच्चा। राक्षस की रानी को मना लूंगी, तुमको छुट्टी दिला दूंगी। तुम आज दफ्तर न जाना। दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफी पिलाना। दीदी हूँ मैं बावर्ची नहीं, मुझे आता नहीं कॉफी बनाना। अरे दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफी पिलाना। We'll be right back.
काम बीवी का खाना पकाना, कपड़े धोना और झाड़ू लगाना, काम से तुम मत आंखें चुराना, सास ससुर का हुक्म बजाना। काम करने को लाखों है नौकर, प्यार करने को आई मैं यहाँ पर, दिल में अरमान लाई हूँ मैं, रानी बनकर आई हूँ मैं, नौकरानी न मुझको बनाना। दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफी पिलाना। बीवी हूँ मैं बावर्ची नहीं, मुझे आता नहीं कॉफी बनाना। दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफी पिलाना। सिखाते हैं कॉफी बनाना, आधा दूध और आधा पानी, पहले गर्म करो मेरी रानी, ना शर्म करो मेरी जानी, तुम दोनों को ऐसे उबालो, फिर थोड़ी सी कॉफी मिला लो और चम्मच से ऐसे हिलाओ, बनी कैसी तुम पी के बताओ। छी छी छी, ये कोई कॉफी है, शक्कर तो है ही नहीं। प्यार है अपना शक्कर से मीठा, शक्कर ना इसमें मिलाना। दफ्तर को देर हो गई, अरे दफ्तर को देर हो गई, सभी का अलकाज के उस दिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हमारे साथ कॉफी। तो फ्रेंड्स, अब कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां एक कप ले लीजिए, अगर आपका कप थोड़ा सा बड़ा हो तो और बेटर है। अब आप इसमें कॉफी पाउडर डालिए, चीनी डालिए। अब आपको यहाँ 1 टीस्पून पानी डालना है। यहाँ मैं भी सलीम भट्ट को बताना चाहती हूँ कि आपका पानी 1 टीस्पून से जरा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप एक बॉल में पानी भर लें। अब आप इसमें टीस्पून को डिप करें और उसमें जितना पानी है एक कप में डाल दें। इस तरह से आपका पानी परफेक्ट 1 टीस्पून ही डलेगा। अब आपको इसको फेंटना है, कप की वॉल से टीस्पून की बैक साइड को टच करते हुए आप इसको 6-7 मिनट तक फेंटें। जब तक आप कॉफी को बीट कर रहे हैं, तब तक एंजॉय कर लेते हैं ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है।
भाई सबके दिल का हाल है, सबके दिल का हाल है, कमाल है कमाल है कमाल है। प्रेम जाल है ये तो प्रेम जाल है, कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है। आसमां पे कितने तारे हैं जरा हिसाब दे, सारे गुलस्तानों के फूल गिन के देख लो, सारे गुलस्तानों के फूल गिन के देख लो, जितने फूल उतने तारे ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है। कमाल है कमाल है कमाल है कन्या, तू भी कुछ सवाल कर, साफ दिल का हाल कर, मैं बताता हूं बाबा। इसके होठों पे रुकी है कई प्यार की कहानियां, इसके होठों पे रुकी है कई प्यार की कहानियां, आ रही है फिर से इसके प्यार पर जवानियां। आप ही तो बुना ये जाल है, जाल है कमाल है, जाल है कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है। हम फकीरों को पता भाई सबके दिल का हाल है, सबके दिल का हाल है। अरे हम फकीरों को पता भाई सबके दिल का हाल है, सबके दिल का हाल है, कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है। आप सभी का अलकाज के उस दिन में बहुत बहुत स्वागत है।
मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल और आप बना रहे हमारे साथ गर्मा गर्म कॉफी। तो फ्रेंड्स, आप कॉफी को फेंट रहे हैं, 6-7 मिनट तक कॉफी को फेंटने के बाद आपकी कॉफी कलर चेंज करेगी एंड फूल भी जाएगी और चीनी भी डिसॉल्व हो जाएगी। अब आप एक पैन ले लें, उसमें 2 कप बॉइल्ड मिल्क डाल दें और गैस स्टोव पर रख दें। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें। अगर आप चीनी थोड़ा तेज भी दें तो 1 टीस्पून चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं विजुअली इम्पैक्ट को बताना चाहती हूँ कि जब आपका दूध हल्का गर्म हो जाए तो आप 1 टेबल स्पून दूध उस कप में डालें जिस कप में आपने कॉफी को फेंटा है और टीस्पून से इसे मिक्स करें। चारों तरफ से कॉफी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद इस कॉफी को आप बॉइल्ड मिल्क में डाल दें और स्पून से मिक्स कर दें। अब आप एक प्लेट ले लें, एक प्लेट में 1 कप को रखें, 1 कप को साइड में रख लें। जब आपकी कॉफी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद गैस को बंद करें। अब आप कॉफी को कैसे डालेंगे यह मैं विजुअल इम्पैक्ट को बताना चाहती हूँ। कोई आप एक ऐसा बर्तन ले लें जिसमें हैंडल हो। इसके लिए मार्केट में आपको एक स्टील का बड़ा मग भी मिल जाएगा जो तकरीबन 1/2 लीटर का होता है। उसमें अगर हम चाय कॉफी डालते हैं बहुत इजीली हम कप में उससे डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो है तो आप उसमें कॉफी को डालें और कप को बाहर की साइड से पकड़ें, धीरे धीरे करके कॉफी को डालते जाएं। जैसे ही आपका कप भरने वाला होगा आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप दोनों कप में कॉफी डाल दें। अगर आपके पास कोको पाउडर है तो हल्का हल्का सा कोको पाउडर छिड़क दें या कॉफी पाउडर छिड़क दें, इससे कॉफी का टेस्ट और बढ़ जाता है। इस तरह से आप कॉफी रेडी कर सकते हैं। ये पीने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी पीजिए, हम भी पीते हैं। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी सुना है संसार, चुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए, जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए,
जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी मनवा है बेचैन, देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन, लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी, जवानी आने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। तो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी।
आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक www.radiodon.com पर देना ना भूलिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल अलकाज क्यूजिन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी आपको यह सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, मेरी ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस चल रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9650265204, 9650265204। मेरा मेल आईडी है alkaagrawal2126@gmail.com, alkaagrawal2126@gmail.com। तो फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसी वादे के साथ नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो।